दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं शेरपुर दस्तक। और इस समय वर्तमान जो सरकार बनने जा रही है, चूंकि मोदी जी शपथ ग्रहण तो करेंगे, प्रधानमंत्री तो हो जाएंगे, लेकिन यह फूलों की सैया नहीं है, यह कांटों भरी सैया है। यह इनका प्रधानमंत्री बनने के बाद राह आसान नहीं है। उसका कारण है, कारण यह है कि जो लोग इनके साथ हैं भरोसेमंद नहीं है। क्या वो दिन भूल गए चंद्रबाबू नायडू, जब इनके चाणक्य कहे जाने वाले उनको जेल भेज दिए थे? नीतीश बाबू भी, उनका तो नाम ही पलटू राम है, तो वो कब पलट जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इनके चाणक्य कहे जाते हैं शाह जी, अगर इस बार हार हुई है तो कहीं ना कहीं शाह की देन है। यूपी में हार हुई, योगी जी जिनको चिन्हित किए कि टिकट दिया जाए, उनको टिकट नहीं दिया गया। जिनको मना किए कि इनको टिकट न दिया जाए, उनको टिकट दिए। और आज योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं अमित शाह, मोदी जी को लेकर डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो अमित शाह है। इसलिए कि ये पर्दे पर तो नहीं है, लेकिन अंदरूनी अंतर्द्वंद योगी जी से और अमित शाह की बहुत दिनों से चल रही थी। ऐसे देश में कई जगह, चंद्रबाबू नायडू को ही ले लीजिए, ये अमित शाह की देन है। चंद्रबाबू नायडू से अंदरूनी विद्वेष रहा, जेल गए, सारी बातें हुई। अगर जेल गए तो फिर बाहर क्यों आए, और बाहर आए तो सजा क्यों नहीं हुई? तो हर जगह से अगर लेके डूबे हैं तो अमित शाह लेके डूबे हैं, जो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह के अंदर एक धारणा बन गई है कि मोदी जी के बाद अगर सेकेंड चेहरा हो तो अमित शाह का हो, जबकि अमित शाह का सेकेंड चेहरा है नहीं, सेकेंड चेहरा योगी जी बन चुके हैं। और योगी जी से विद्वेष करने का मतलब, अंतर्द्वंद करने का मतलब भाजपा का खंडित होना। अगर योगी जी से ये लोग अंतर्द्वंद आप लोग किए तो भाजपा टुकड़ों में बंटेगी। इसलिए कि अगर ओरिजिनल हिंदू कोई दिख रहा है तो योगी जी दिख रहे हैं। आज मोदी जी ये बताइए, बनारस में तमाम गुजराती ठेकेदार क्यों आ गए? बनारस में ठेकेदार नहीं है, अमित शाह जी ने गुजराती ठेकेदारों को ले आके बनारस में रख दिया। पता नहीं कैसे आप चुनाव जीत गए, नहीं जीतना चाहिए था। जो अमित शाह ने बोया था उसको काटना आप ही को था, चुनाव जीत गए, अच्छी बात है, धन्यवाद है, मैं भी तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन मोदी जी आपके बाद यही बीजेपी कई टुकड़ों में बटेगी और वहां जाएगी जहां जनसंघ थी। और जो क्वेश्चन किया जा रहा है योगी जी से, तो मोदी जी आप बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे, मात्र 13 दिन का प्रधानमंत्री बने उस बार अटल जी, 2004 की बात है शायद,
और उस बार आप मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और वहां से भाजपा की बुरी तरह पराजय हुई, तो आपको तो नैतिकता के आधार पर उस समय इस्तीफा देना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से। क्या आपने इस्तीफा दिया या भीतर घात किए आप भाजपा के साथ? आज भाजपा के बड़े नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, उस समय आपने अटल जी के साथ भीतर घात किया। और आज जो है यूपी से भाजपा हार गई, तो योगी जी से सवाल पूछा जा रहा है? योगी जी किसी के मोहताज नहीं है। योगी जी हिंदुस्तान के एक वायरल चेहरा है। योगी जी भाजपा में रहेंगे तो भी ठीक, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद उनकी है। आप झूठे आप लोग परेशान हैं, उनकी विश्व हिंदू परिषद मुकम्मल है। आप लोग योगी जी से सवाल पूछने लायक नहीं है। योगी जी ईमानदारी से काम किए हैं। अमित शाह योगी जी से सवाल पूछ देंगे, और जो सवाल अमित शाह योगी जी से पूछ रहे हैं यूपी में भाजपा का हार, तो वो सवाल मोदी जी से अमित शाह क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि अटल बिहारी जमाने में भाजपा की हार गुजरात में कैसे हो गई? पूछना चाहिए था। और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय यूट्यूब फैमिली।